अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। आज सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में फ़कीर की हाज़िरी है और हमारे साथ एक काफ़िला भी है जिसमें तकरीबन 55-60 नौजवान और बड़ात हैं। और हम इस गरज से यहाँ पर हाज़िरी के लिए आए हैं कि हमारा ये मानना है, पहले से सदियों पुराना हमारा इस दरबार से रिश्ता है कि जो इस चौखट पर आता है उसके ईमान में इजाफ़ा होता है और यहाँ पर आने वाले मोमिनों का जज्बा जवान होता है और यहाँ पर आने के बाद हमारे दिलों में एक मोहब्बत का पैगाम आ जाता है। जिस तरह से आपस में उल्फतें और मोहब्बतें कायम करने का एक जज्बा आता है, इस गरज से हम आते हैं और यहाँ से यही पैगाम भी देते हैं। जो गरीब नवाज़ का मिशन था और जो गरीब नवाज़ का पैगाम था, उसको आज हर मुसलमान नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी को आम करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिंदुस्तान अमन व अमन व अमान के साथ और चैन व सुकून के साथ रह सकता है, यही मेरा यहाँ से इस चौखट से पैगाम है। किस तरीके देखा जा रहा है कि अपने देखिए, यहाँ सारी चीज़ों में एक ही चीज़ है, अना, मैं ही सब कुछ हूँ, या फिर नफ्स परस्ती, अपनी हवस के लिए इंसान ये सब चीज़ें करता जाता है। और औलिया के दरबार से जो चीज़ सबसे पहले मारी जाती, ख़त्म की जाती है, दूर की जाती है, वो अना है कि गुरूर और तकब्बुर तुम्हारे अंदर कभी ना आए। गरीब नवाज़ की तालीमात में ये है कि मेरा मुरीद ये समझे कि मैं सबसे कमतर हूँ, और जिसके अंदर ये जज्बा होगा कि अना हवस परस्ती ना हो, वो इस तरह की जंगों की तरफ नहीं बढ़ेगा। और आज जंगें किस लिए हो रही है, आप देख रहे हैं पूरे आलम में। आज रशिया के पास जो सरज़मीन है, जिस कंट्री के पास, वो दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीन उसके पास है, तकरीबन 1,70,00,000 के करीब या 70 लाख के करीब स्क्वायर किलोमीटर उसकी ज़मीन है। उतनी बड़ी ज़मीन पूरे दुनिया में किसी और दूसरे मुल्कों के पास नहीं है। इतना सब होने के बावजूद एक छोटे मुल्क को कब्ज़ा करने की जो ख्वाहिशें हैं, ये सब चीज़ें, ये अना है, ख्वाहिशात है, ये कभी नहीं ख़त्म होती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की हालत यह है कि अगर दो पहाड़ों के बीच मौजूद भर करके सोना उसको दे दिया जाए, इतनी वादी, तो वो लेने के बाद वो कहेगा काश इतनी एक वादी सोना और होता तो क्या अच्छा होता। दूसरी वादी भर करके भी सोना दे दिया जाए तब भी उसकी ख्वाहिश ये होगी काश तीसरी वादी होती। तो ये ख्वाहिशात कभी नहीं ख़त्म होंगी। ये अपनी ख्वाहिशात पर जंगें करते हैं और आम मुसलमानों को, आम इंसानों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल होना पड़ता है, मारे जाते हैं। आज ये जो विश्व ये युद्ध की तरफ जो दुनिया बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसका एक ही हल है कि अमन व अमान और चैन व सुकून का पैगाम आम किया जाए, जो औलिया इकराम ने आम किया था। गरीब नवाज़ के दरबार में एक फ़कीर आया तोहफ़ा लेकर के लाहौर से चल करके, जुमेरात का दिन था, आज भी जुमेरात है, और गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े से हुआ करते थे। दोपहर के वक्त वो मिठाई लेकर के हाजिर आया और कहा कि हुज़ूर, बड़ी दूर से आपके लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ, तो आप कबूल कर लिए। लेकिन उस फ़कीर का कहना यह था कि अभी मेरे सामने आप खाएँ, मेरी तमन्ना ये है। तो आपने डब्बा खोला और खा लिया। मुरीदीन देखते रह के रोज़े से थे, और गरीब नवाज़ का रोज़ा मामूली नहीं है कि हमारे और आपकी तरह हो, रोज़े से थे और खा लिए, और वो फ़कीर खुशी खुशी चला गया। तो लोगों ने पूछा कि आज आप रोज़ा नहीं थे, आज आपने सबके सामने मिठाई खा ली। कहा, रोज़ा तो था लेकिन वो नफिल था, और वो फ़कीर, वो दुर्वेश इतनी दूर से जो मेरे लिए मिठाई लाया था, उसकी दिल की अरमान थी, ये तमन्ना थी। मैं चाहूँ तो ये नफिल रोज़ा जो टूटा है, इसकी कज़ा तो हो सकती है, लेकिन एक इंसान का दिल जो टूटे उसे कौन जोड़े। तो मैं ये नहीं चाहता कि उसका दिल तोड़ा जाए। तो सरकार गरीब नवाज़ की शान तो ये थी, इस कदर उन्होंने अमन व अमान का पैगाम फैलाया है। हमें ज़रूरत है इस दरबार में आएँ और सारे लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत का पैगाम पहुँचाएँ।